साइंस में था और वहाँ क्या एक पेंसिल है क्या बोलते थे भूल भी गया, उसमें फ्लास वगैरह बनाना होता था, हमारे सब टीचर्स कहते थे कि उसके बावजूद मैं फ्लास भी गलत बनाता था, बीकर वगैरह गलत बनाता था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उसका इसकी कदर नहीं करता हूँ, मैं तो सब कलाकार हूँ। बहुत ही खूबसूरत शाम है और ये संगीता जी के तरफ से बनाई हुई जो पेंटिंग्स हैं इसकी अलग खूबी है और साथ ही साथ इस बात की और खूबी है विशेषता कि जहांगीर आर्ट गैलरी जो एक प्राइड है महाराष्ट्र का चाहे देश का और जहां पे शायद महीनों नहीं सालों लगते हैं वो तारीख मुकर्रर होने पे तारीख पे तारीख पे तारीख बदलते जाती है यहाँ पे उसके बाद यहाँ जगह मिलती है तो आज जो ये इनका जहांगीर आर्ट गैलरी ने जो एक्सेप्ट किया और जहांगीर आर्ट गैलरी में इनके पेंटिंग्स की जो आज एग्जीबिशन हुई है मैं समझता हूँ बहुत ही प्रसन्नता का विषय है बहुत ही फ़ख्र की बात है और इससे भी ज़्यादा खासियत ये है पेंटिंग्स बनाने वाली की यानी संगीता जी की कि हमारी इनसे पहले कभी मुलाकात नहीं हुई तो जीवन में पहली बार किसी कार्यक्रम में मैं बगैर मिले बगैर मिनट्स ऑफ द मीटिंग जाने हुए बगैर कोई लिटरेचर पाए हुए मैं वहाँ से इनकी बात पे इनकी खासियत पे इनकी अदायगी पे जब टेलीफोन किया इससे प्रभावित हुआ मैं कह सकता हूँ कि बहुतों का जादू तो नहीं चला लेकिन इनका जादू चल गया सर चढ़ के बोल रहा है और मैं आ गया जा दिल्ली से खास नहीं आई मीन दैट आई एम वेरी हैप्पी इंडीड वेरी ग्रेटफुल टू यू फॉर हैविंग कॉल मी टू दिस ग्रेट फंक्शन एंड दैट टू एट जहांगीर आर्ट गैलरी Highly appreciated. Thank you very much. Sir, आपको पसंद है कितना पसंद है drawing करना देखा जब तक नहीं मैं जो कहूँगा और सच के सिवा कुछ भी नहीं कहूँगा सच ये है कि मुझे बिल्कुल नहीं आती मैंने बहुत कोशिश की स्कूल और कॉलेज में और ख़ासकर जब साइंस में पढ़ता था जो भी पढ़ता था जिस हद तक पढ़ता था वहाँ पर मैं ग्लास का और एक बीकर का और एक फाउंटेन पेन का भी तस्वीर नहीं बना पाता था आज भी नहीं बना लेकिन मेरी सिग्नेचर इतनी अच्छी है लोग कहते हैं कि बहुत आर्टिस्टिक सिग्नेचर बहुत खूबसूरत है लोग समझते हैं बहुत आर्टिस्टिक मैं आर्टिस्टिक ज़रूर हूँ मुझे बहुत शौक़ है आर्ट का कल्चर का पेंटिंग्स का सिंगिंग का जितने भी हमारे स्टेज क्राफ्ट जितने भी हैं उसका बहुत शौक़ है मैं समझता हूँ राजनीति से ज़्यादा मेरा पहला शौक और पहला प्रेम तो ही है कल्चर आर्ट एंड कल्चर और उसी के तहत मैं इस तरह से बगैर मुलाकात के इनसे प्रभावित होकर और आज इनके काम से प्रभावित होकर जहांगीर गैलरी से जा रहा हूँ लेकिन हाँ मेरे घर में मेरी बेटी करती है सोनाक्षी अच्छा पेंट करती हैं और हमारे कुछ फ्रेंड्स बहुत अच्छा करते हैं लेकिन मैं बिल्कुल नहीं लेकिन मैं कदरदान हूँ मैं खुद अच्छा ना भी करूँ लेकिन कोई अच्छा करता है तो उसको पहचान लेता हूँ और अच्छा नहीं करता हूँ तो उसी तरह से जब पगड़ी मैं नहीं बांध सकता हूँ लेकिन कोई गलत पगड़ी बांधे तो मैं बता सकता हूँ उसने पगड़ी गलत बांधी नहीं इस वक्त कुछ नहीं क्योंकि ये चित्रकारी और कलाकारी का मामला है संगीता जी की जिम्मेदारी पे और इनकी जवाबदेही पे मैं यहाँ आया हूँ वो भी जहांगीर आर्ट गैलरी में इस वक्त मैं कुछ और बातें करके इसको मैं डाइल्यूट नहीं करना चाहता हूँ और तो इसके इम्पैक्ट को कम नहीं करना चाहता सर लेकिन इसके अलावा सर शाहिद अफरीदी ने एक बयान दिया है कि ट्वीट किया है कि कश्मीर में कश्मीरी लोगों को मारा जाता है उसके बारे में क्या कहना है एक आप पॉलिटिशियन हैं आप थोड़े लेट आए आप थोड़े लेट आए हैं मैं आप उसके पहले एग्जैक्टली यही कह चुका हूँ और अब तो सिर्फ इतना ही कह सकता हूँ खामोश
कुछ दिखाएगा सर, एक सवाल सर, ज्यादा नहीं, एक पॉलिटिकल नहीं करूं, डिफरेंट फॉर्म वो तो करके आ ही रहा हूं, रोज तो वही कर रहा हूं, तो पॉलिटिकल नहीं करूंगा, वही कर रहा हूं पॉलिटिकल लेकर के देखिए कश्मीर के मुद्दे पे उन्होंने कहा है कि काफी सारी जो वहां पे ब्लडशेड हो रहा है उसको रोकना पड़ेगा और इस मामले में यूएन क्यों नहीं हस्तक्षेप कर रहा है। देखिए देखिए ये सब बातें इसको इस वक्त पॉलिटिकल करना ठीक नहीं है, बट कहीं भी अगर ह्यूमन राइट्स वायोलेशंस हो रहा है और कहीं भी किसी को तकलीफ हो रही है, कहीं भी कुछ लोग मारे जा रहे हैं, ब्लड शेड हो रहा है, चाहे कश्मीर हो के एनी प्लेस इन द वर्ल्ड, खासकर हमारे हिंदुस्तान की बात, ये हम लोग का फ़र्ज़ बनता है कि हम उसको कैसे रोकें, कैसे बंद करें, कैसे कम से कम करें, और हमारी पूरी और हमारे इसके इच्छा शक्ति पे, हमारे स्ट्रॉन्ग विल पे बहुत निर्भर करता है। आई एम श्योर कि हमारे पास, हमारे सरकार के पास वो स्ट्रॉन्ग विल है, और स्ट्रॉन्ग विल है तो उसको हम लोग अपने हिसाब से काम कर रहे हैं। बहुत कुछ पहले भी किया है जिसकी बहुत तारीफ भी हुई है और कुछ लोगों ने क्रिटिसाइज भी किया, तो अभी आप देखते जाओ, आई थिंक वी आर मूविंग इन द राइट डायरेक्शन। थैंक यू संगीता, ऑल द बेस्ट, थैंक यू, गॉड ब्लेस, बहुत अच्छा लगा, थैंक यू।